मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर पायल तड़वी की कहानी। मई को जब पूरा देश चुनाव परिणामों की राह देख रहा था तब पायल तड़वी ने आत्महत्या की। क्यों की पायल ने आत्महत्या? पायल की आत्महत्या की खबर सुनकर मुझे रोहित वेमुला की आत्महत्या की याद आई। 2 साल पहले रोहित ने भी ऐसे ही आत्महत्या की थी। पायल मुंबई के नायर कॉलेज में मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। पायल आदिवासी समाज से थी। क्या आदिवासी थी इसलिए उसको टॉर्चर किया गया? क्या आदिवासी थी इसलिए उसको अपमानित किया गया? आज हम खोजेंगे पायल के आत्महत्या का कारण। पायल जलगांव से थी। उसके माता पिता जलगांव के गवर्नमेंट ऑफिस में आज भी काम करते हैं। 2018 में वो मुंबई आई। उसके पहले वो सांगली मिरज में MBBS करती थी। मुंबई में वो MD करने के लिए आई। पायल आदिवासी समाज से थी, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन पायल आदिवासियों में भिल जाति है उससे थी। पायल भिल जाति में पहली महिला थी वो जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। ये काम ऐतिहासिक था। अगर पायल जिंदा रहती और डॉक्टर बनती तो पायल सचमुच में आदिवासी समाज की सेवा करती। लेकिन 22 मई को पायल ने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया और पायल का पूरा ये जर्नी जो है वो खत्म हो गया। लेकिन पायल ने आत्महत्या क्यों की? पायल के साथ 3 लेडी डॉक्टर्स थे। इन 3 लेडी डॉक्टर ने उसे टॉर्चर किया, ऐसा आरोप पायल की मां ने किया है। देखिए, मुंबई जैसा शहर है, हमें हमेशा बताया जाता है कि मुंबई में तो जातिवाद नहीं है, हमारे बड़े शहरों में तो जातिवाद खत्म हो गया। लेकिन इन 3 महिला डॉक्टर ने पायल को इसलिए परेशान किया क्योंकि पायल आदिवासी थी और रिजर्वेशन कोटे से आती थी। उन्होंने पायल को गंदे गंदे व्हाट्सएप भेजे। उन्होंने पायल को वर्क प्लेस में परेशान किया। पायल जब बीमार थी तब भी उसको काम दिया जाता था। ये महिलाएं पायल के साथ हॉस्टल में रहती थी, उसके रूम में वो गंदगी फैलाती थी। वो पायल के टॉयलेट में जाती थी और गंदे पाव लेकर बाहर आकर पायल के रूम में जो मैट था वो खराब करती थी। वो पायल को ताने देती थी। पायल इससे बहुत ही परेशान थी। उसने अपनी मां को बताया था। पायल का पति डॉक्टर सलमान तड़वी नायर अस्पताल में ही काम करता है। पायल ने उसे भी बताया था लेकिन सलमान ने उसको कहा था कुछ दिन सह ले, फिर देख लेंगे। 22 मई को जब पायल ने आत्महत्या कर दी तब उसी दिन पायल ने अपनी मां को फोन किया था। मां ने उसको समझाया लेकिन मां को यह अंदाजा नहीं आया कि पायल कुछ कर लेगी, पायल आत्महत्या करेगी। पायल की मां जानती थी कि पायल परेशान है लेकिन पायल इतना बड़ा और इतना खतरनाक फैसला करेगी ये उसको उसके मां को भी मालूम नहीं था, उसके पति को भी मालूम नहीं था और उसके पिताजी को भी मालूम नहीं था। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर दी, वैसे ही पायल ने नायर हॉस्पिटल के हॉस्टल के रूम में आत्महत्या कर दी। पायल की मां ने इस कॉलेज के डीन को एक खत लिखा है। देखिए, पायल की मां हर चीज जानती थी। पायल को कैसे टॉर्चर किया जाता है वो उसने देखा था क्योंकि पायल की मां कैंसर पेशेंट है और वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तब पायल के सीनियर डॉक्टर्स उसको पायल को मिलने भी नहीं देते थे। पायल की मां ने जो ये खत लिखा है वो पायल की आत्महत्या के बाद नहीं लिखा है, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पायल की मां ने यह खत लिखा है जो मेरे हाथ में है, जो मराठी में है, 2 पन्ने का यह खत है, वो 10 मई को लिखा है। अगर हॉस्पिटल के डीन के पास ये खत जाता, अगर हॉस्टल के रेक्टर के पास ये खत जाता,
या उन्हें मिलता, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें खत नहीं मिला है। पायल के दोस्तों का आरोप है कि ये खत हॉस्पिटल और हॉस्टल मैनेजमेंट को मिला है, लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया है। पायल की मां ने ये जो 10 तारीख को 10 मई को यानी पायल के मृत्यु के 12 दिन पहले जो खत लिखा था उसमें पूरे विस्तार से लिखा है कि पायल को कैसे टॉर्चर किया जाता है। पायल की मां ने डीन को पूछा है कि पायल मुंबई में जो आई है वो पढ़ने के लिए आई है, इस प्रकार का टॉर्चर सहने के लिए नहीं आई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हम आदिवासी समाज से है और बड़े संघर्ष से पायल मुंबई तक पहुंची है, तो कम से कम उसकी जो रूम है या फिर उसकी जो उसका जो यूनिट है काम का, वर्क यूनिट जो है वो बदल दीजिए। लेकिन आज पायल के सारे प्रोफेसर्स और रेक्टर्स और डीन कह रहे हैं कि ये खत उनको मिला ही नहीं। पायल की मां कह रही है कि ये खत, इस खत पर अगर एक्शन होती तो पायल आज भी जिंदा रहती। पायल की मां ने ये खत महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री को दिया है और आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन जिसके जुरिस्डिक्शन में ये नायर अस्पताल आता है उसके सीनियर इंस्पेक्टर को भी भेजा है, और वो ये अपेक्षा करती है कि इस खत पर एक्शन हो। और जिन्होंने इसको टॉर्चर किया वो 3 डॉक्टर है, डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति महिरे और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अभी पायल के मृत्यु के बाद पूरी तरह से माहौल गर्मा गया, आंदोलन शुरू हुआ, तब पुलिस ने इन 3 डॉक्टर्स पर FIR दाखिल किया है, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर पायल तडवी, जो आदिवासी समाज से पहली पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी मेडिकल की, क्या उसको न्याय मिलेगा क्या, या उसकी हालत रोहित वेमुला जैसी ही होगी? क्या ये आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, पायल या रोहित वेमुला जैसे जो विद्यार्थी है जो दलित या आदिवासी समाज से आए हैं उनको उनके साथ सम्मान का बर्ताव करेगा, उनका आदर करेगा, कम से कम उनके संघर्ष का आरोप आदर करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर पायल तडवी का मामला प्रातिनिधिक मामला है। आप पूरे देश में जाइए तो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या अन्य शिक्षा संस्थानों में दलित और आदिवासी विद्यार्थियों के साथ यही बर्ताव किया जाता है। कभी रिजर्वेशन के नाम पर उनको गालियां दी जाती है या कभी उनके जाति का नाम लेकर उनको अपमानित किया जाता है। जातिवाद का ये जहर जो है वो आजादी के बाद भी खत्म होना तो छोड़ दो, कम भी नहीं हुआ है। डॉक्टर आंबेडकर जाति संस्था को खत्म करना चाहते थे, उन्होंने भाषण दिया और किताब लिखी अनाइहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति संस्था कैसे खत्म होगी ये वो सोच रहे थे। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह का बर्ताव ये समाज कर रहा है, एक तो दलित आदिवासियों ओबीसी की जो प्रगति हो रही है रिजर्वेशन के कारण, पहले तो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला, बाद में मंडल आयोग के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, और एक बात तो स्पष्ट है कि रिजर्वेशन का इन वर्गों को फायदा हुआ है। लेकिन इस प्रगति के कारण बाकी जो समाज है, जनरल कैटेगरी समाज जो है, वो इन जो एससी एसटी और ओबीसी से इनका द्वेष करने लगा है। आप लोकल ट्रेन में जाइए या बसेस में जाइए या फिर मार्केट में जाइए, आपको ये घृणा, ये द्वेष सब जगह दिखेगा, क्योंकि लोग अपनी जाति का गर्व कर रहे हैं और दूसरे जाति का द्वेष कर रहे हैं। तो जातिवाद का जहर जो है समाज के अंग में पूरी तरह से फैल गया है। और अगर हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो मॉडर्न भारत है, आधुनिक भारत है, तो इस आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बीमारी है वो ये जातिवाद है। मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर रोहित वेमुला को या डॉक्टर पायल तडवी को ऐसा कोई रास्ता दिखता कि वो किसी के साथ बात करे, अपने दुख को शेयर करे, तो क्या उनकी आत्महत्या रोकने में हम सफल हो जाते? क्या डॉक्टर पायल तडवी के आत्महत्या के बाद या रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हम इसके बारे में सोचे में? जो
दलित आदिवासी या बहुजन समाज के बच्चे संघर्ष करके गांव से शहर में आते हैं और संघर्ष करते शिक्षा लेते हैं, विकास करने की कोशिश करते हैं, बड़े एस्पिरेशन रखते हैं। इन बच्चों का दुख समझने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। सरकार ने तो हेल्पलाइन शुरू की है, यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की भी हेल्पलाइन है, यहाँ मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी हेल्पलाइन है, लेकिन पायल तडवी को यह नहीं लगा कि उन हेल्पलाइन में जाकर बात करे और अपनी समस्या उनको बताए। क्योंकि अगर ऐसी व्यक्ति जो निराश हो गई है उस वक्त किसी से बात करती है या अपनी समस्या किसी को बताती है तो उसकी निराशा कम हो सकती है, अगर वो खुदकशी की तरफ जा रही है तो वो रुक भी सकती है। लेकिन डॉक्टर पायल तडवी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है इस तरह का कोई रास्ता खोज निकालना चाहिए या इस तरह की कोई मशीनरी हम लोगों को निर्माण करनी चाहिए जो इन बच्चों की मदद करे। रोहित वेमुला का मामला हो या डॉक्टर पायल तडवी का, राजनीति तो होती है और होनी भी चाहिए। रोहित वेमुला के वक्त सारे विपक्ष वहां हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहुंच गए और उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए। बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। इस बार भी डॉक्टर पायल तडवी के बारे में आंदोलन होगा, राजनीति भी होगी, लेकिन क्या राजनीति से ऊपर उठकर सारी राजनीतिक पार्टियां और सारा समाज इस समस्या का विचार करने वाला है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर जाति प्रथा का मुकाबला करना है तो सिर्फ राजनीति से नहीं होगा, राजनीति एक रास्ता है, बाकी सारे रास्ते उन्होंने सुझाए थे। क्या हम इन रास्तों का विचार करने के लिए तैयार है? या फिर रोहित वेमुला का मामला हो गया, बड़ी न्यूज हो गई, अभी डॉक्टर पायल का मामला हो गया, न्यूज हो गई और बाद में हम उसको भुला देंगे, क्या ऐसे होने वाला है? मेरा सवाल यह है कि इस देश में एक संविधान है, यह देश संविधान के अनुसार चलता है, मनुस्मृति के अनुसार नहीं चलता। पायल की जो आत्महत्या थी या रोहित वेमुला की जो आत्महत्या थी वो मनुस्मृति का राज है। क्या हम इस मनुस्मृति के प्रभाव को अस्वीकार करेंगे? क्या हम हमारे संविधान का आदर करेंगे? इस देश में अगर किसी भी दलित आदिवासी ओबीसी या किसी भी गरीब बच्चे को अगर आत्महत्या करनी पड़े तो हमारे आधुनिक भारत के लिए वो बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। क्या न्यू इंडिया में रोहित वेमुला या डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या करेगी? अगर करेगी तो मैं नहीं मानता कि ये न्यू इंडिया है। डॉक्टर पायल तडवी तो चली गई, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए पायल तडवी को न्याय मिले इसलिए। जिन्होंने पायल तडवी को टॉर्चर किया उनको सजा होनी चाहिए और ये सजा होने के लिए सरकार पर और पुलिस पर दबाव बना रखना चाहिए। धन्यवाद।